जय हिंद टू ऑल ऑफ यू सेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स, वी कंडक्ट अवर चैप्टर नंबर फोर। हम चैप्टर नंबर फोर कर रहे हैं हियर सेक्शन नंबर सी। रिमाइंड, हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी था वो बचा हुआ है। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू लीव अ स्टील स्पून इन अ पॉट ऑफ बॉइलिंग सूप। अगर आप एक स्टील की स्पून को बॉइलिंग सूप में कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए डालेंगे, रखेंगे, तो फ्यू मिनट द स्पून बिकम हॉट टू टच। हाउ डस हीट ट्रेवल टू द स्पून। यहाँ पर जो स्पून होती है वो गर्म हो जाती है, और यहाँ पर किस प्रकार से जो हीट है वो उसका ट्रांसफर होता है, हमें यहाँ पे इसका रीजन बताना है। एंसर, इफ वी लीव अ स्टील स्पून इन अ पॉट ऑफ बॉइलिंग सूप। अगर हम स्टील की स्पून को बॉइलिंग या उबलते हुए सूप के अंदर कुछ मिनट के लिए रखेंगे, द स्पून बिकम हॉट टू टच। स्पून जो होगी वो टच करने पर गर्म लगेगी। हियर हीट ट्रेवल बाय स्पून बाय सूप टू स्पून बाय कंडक्शन। यहाँ पर जो स्पून है वो सूप से चम्मच के अंदर या स्पून के अंदर जो हीट है वो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। बिकॉज मेटल स्पून जो है वो मेटल की बनी है, एंड मेटल आर सॉलिड मटेरियल, मेरी सॉलिड मटेरियल मेटल जो है वो सॉलिड मटेरियल है, तो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू ही क्या होती है, सॉलिड में हीट कंडक्ट हो पाती है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी कंडक्ट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, ओके।